हर मंगलवार आ जाता है ये अपनी माँ के साथ। वो अंदर जाती है और ये बाहर इंतजार करते बैठता है। कलयुग आ चुका है पंडित जी, मैं बोल रहा हूं, ऊपर वाला माफ नहीं करता ऐसे लोगों को। बिना किसी के पूछे श्याम प्रसाद ने अपनी राय मुफ्त में रिहा कर दी। पंडित जी को तो इसकी आदत थी, वो बस मुस्कुरा रहे थे। देखो तो लोगों ने दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं निकम्मा, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगा। श्याम प्रसाद जी उस लड़के के पास चलकर गए। तुम कॉलेज में जाने वाले नौजवानों को सच में अच्छी शिक्षा की जरूरत है। मंदिर में आकर अंदर ना जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। नास्तिक हो, भगवान पर विश्वास नहीं है क्या? उस लड़के ने हंस दिया और कहा, विश्वास भगवान के होने पर है या ना होने पर ये जरूरी नहीं है, विश्वास है बस। दुनिया में जीने के लिए इतना ही काफी है श्याम प्रसाद जी। ये सुन के श्याम प्रसाद जी चुप हो गए। अचानक मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो गई, पूजा का समय हो चुका था। श्याम प्रसाद जी अपनी सोच में थे और उसी सोच में अपनी हारी बाजी लेकर वहां से निकल गए।